यो भिडियो हेर्नुहोस्। यो भिडियोमा हाम्रै नेपाली दाजुभाइ गरिब नेपालीहरू एउटा झुप्रोमा बसेको छ, टहरा हालेर बसेको छ। यो टहरा यसरी भत्काइँदैछ। हेर्दा दृश्य अलिक कारणीपूर्ण नै छ। उहाँ जो घरमा बस्ने दिदीलाई यो घर आफ्नो घर भत्काइएकोमा उहाँलाई पनि एक किसिमको पीडा भइरहेको होला, पीडा छ। नमस्कार आदरणीय दर्शक, पनि यहाँले फ्रेममा देखि सोध्नु भएको छ, अहिले भत्काइरहेको अवस्था छ यहाँ घर। आदरणीय दर्शकबिन, अब यो भिडियो तपाईँलाई देखाउँदैछु। यो त्यही नेपाली गरिब नेपाली जस्तै छाप्रो हो जहाँ रोहिङ्गा मुस्लिमहरू नेपालमा घुसेर यसरी खुल्लेआम बिन्दास बसेको छ, टहरा हालेर बसेको छ। तर विदेशीलाई जसको पहिचान भएको छैन, नागरिकता पहिचान भएको छैन, जसको डकुमेन्टै छैन, त्यस्ता नागरिकहरूलाई, रोहिङ्गा नागरिकहरूलाई खुल्लेआ बिन्दास बस्नु दिएको छ यो यही सरकार। त्यसैले आदरणीय दर्शकबिन, आज म तपाईँलाई अत्यन्तै खुसीको खबर लिएर आएको छु। त्यो खुसीको खबर हो, हामी हाम्रै देशमा शरणार्थी हुँदैछौँ। योभन्दा खुसीको खबर अरू के हुन सक्छ? नेपाल सरकार र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो नेपाली नागरिकको समस्या हल गर्दै मानवीय मात्रै होइन अभिभावकत्व र जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेमा क्रूर हिटलर चाहिँ वज्रपात हुँदै नागरिकको घाँस बाँस कपासमाथि बलात्कार गर्दै गर्दा त्यही नजिक विदेशी शरणार्थी हाम्रो भिरपाका खोपेर बसेकोमा यो सरकार र क्रूर प्रहरी प्रशासनले आँखा समेत लगाउने हिम्मत र साहस गर्दैन। यस किसिमको सरकार र प्रहरी प्रशासनको नपुंसकतालाई आँखा कहिलेसम्म टुल्टुले हेरेर बस्ने सोच्दा पनि हाम्रो हृदय छेद विच्छेद हुनसक्छ। हाम्रोलाई बस्ने दियो, हाम्रोलाई एकदम माया लाग्छ कि निकाल्ने कुरा गरिरहेछ कि, त्यही भएर उहाँ एकदम मलाई राम्रो लाग्दैन। म्यानमारबाट बङ्गलादेशको बोर्डर हुँदै इन्डिया अनि नेपाल आउनुभयो, तपाईँहरूको टिममा तपाईँको टोलीमा कतिजना हुनुहुन्थ्यो? हाम्रो त्यस्तै होइन कि एकजना दुईजना, त्यसै त्यसै यसै पुरा टिम आएको, त्यस्तै आएको छैन। दुईजना आउँदा कतिजना आउनुभएको थियो? मेरो त तिनजना मात्र छ। केमा आउनुभयो, हिँडेर अथवा ट्रेनमा? के बसमा त्यसै गऱ्यो। अरू भाषा के जानेको छ तिमीले? रोहिङ्गा भाषा। रोहिङ्गा भाषा? ए, रोहिङ्गा भाषामा भनिदियो त म एक कक्षामा पढ्छु भन्नु पऱ्यो भने के भन्छ? बात करेंगे नागरिकता संशोधन बिल की, जिसको लेकर अब भी संग्राम मचा हुआ है। कल लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया था कि बिल के तहत रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। तो आपको बता दें, लोकसभा से कल पास हो गया नागरिकता संशोधन बिल, अभी निगाहें राज्यसभा पे है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कल इस बिल पर बोलते हुए गृह मंत्री ने साफ किया था कि रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। और रोहिंग्या का कहते हैं, रोहिंग्या के लोग भाए बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग भाए बांग्लादेश आते हैं, और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है फिर भी भाए बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, मैं आज फिर से स्पष्ट। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँलाई भन्न चाहन्छु, यदि यहाँले यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर यो भिडियोलाई बुझ्नुभयो भने यहाँको हृदय छेद विच्छेद हुनेछ। यदि तपाईँ सच्चा नेपाली हो भने तपाईँको आत्मा रुनेछ, तपाईँ भाव विहल हुनेछ। यो भिडियोलाई तपाईँले बुझ्नुभयो भने अनि बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो। यहाँ पनि रोहिङ्गिया मुसलमानहरूको बस्ती छ र यहाँ टिनको छाप्राहरू टिनले नै बारेको, टिनले नै
छापेको छाप्राहरूमा चाहिँ उहाँहरू बस्नुभएको छ। बालबालिकाहरू चाहिँ यहाँको त्यो आँगनको चौरमा खेलिरहेका छन् र यहाँ पनि अलिकति यो चाहिँ सम्बो क्षेत्रमा अलिक समथर क्षेत्रमा यहाँको बस्ती देखिन्छ। अब प्रस्तुत छ नागरिकता अध्यादेशले कसरी वंशजको आधारमा विदेशीहरू लगायत रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिएर यो देशलाई डिजास्टर गर्छ भन्ने विषयमा यहाँलाई आज स्पेसल भिडियो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो छोड्दै हामी उजर पर्न चाहन्छौँ। अनि नेपाल चाहिँ कसरी आउनुभयो तपाईँ? यो इन्डिया आएको छ, इन्डियाबाट के भनिरहेछ तपाईँ? यहाँ 5-6 जना बसिया छ, यहीँ बस्नेलाई गाह्रो हुन्छ, यहीँ पुलिसहरूलाई सोध्छ कहाँबाट आएको कहाँबाट आएको सोध्छ। तपाईँ नेपाल जानुहोस्, नेपाल एकदम राम्रो छ देश, मान्छे सोच्दैन, पुलिसले पनि के गर्दैन, उहाँ जाएर बिग मागेर खानुहोस् जस्तो भनेर मलाई यही पठाइसक्यो। ए अनि तपाईँलाई इन्डियाबाट नेपाल छिराउँदाखेरि बोर्डरमा त जाँच हुन्छ होइन? कसरी तपाईँ छिर्नु? मलाई के गरेको छैन नेपाल बोर्डरमा, जाँचै भएन, केही गरेको छैन। तपाईँ दिनकै समयमा आउनुभयो, रातिको बेलामा आउनुभयो, कसरी आउनुभयो आउँदा? बेलुका बेलुका राति परेको छैन। तपाईँलाई इन्डियाको एजेन्टहरू कोही सहयोगीले तपाईँलाई नेपाल छिरायो कि आफै आउनुभयो? इन्डियाको मान्छेलाई सहयोग गरेको। कुन नाकाबाट आउनुभएको तपाईँ नेपाल? मलाई थाहा भएन। यो तस्विरें मानवीय जरुर हैं, इनके आँखों में आँसू हैं, लेकिन चौंकाने वाला पहलू ये है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा संख्या में रोहिंग्या मुसलमान बसते हैं और अगर इन्हें बाहर नहीं किया गया तो खतरा देश को जरूर होगा, क्योंकि अमित शाह ने पहले ही साफ कर दिया था कि घुसपैठियों को निकाल बाहर करेंगे। आप सभी सबसे पहले एक रोहिंग्या मुस्लिम का ये वीडियो देखिए। अमन शांति के साथ रहते आए हैं, हमें बदनाम नहीं किया जाए, हम अमन पसंद इंसाफ कौम है, हमें तहफ़ुज़ फराहम किया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद करें हमारे हिंदू भाई कि इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। इसलिए तो देख लिया, इन लोगों को इतने सालों से इस देश ने रहने के लिए दिया, खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, सब कुछ इस देश ने इसको दिया जब ये अपने देश से भाग कर आए थे। अब जब इसको इसके देश वापस भेजने के लिए बोला जा रहा है या इसको शुरुआत कर दिया है मोदी जी ने इसको घर भेजने के लिए, तब ये अपने औकात पर आ गया। अब ये क्या बोल रहा है आप लोगों ने साफ सुना कि बोल रहा है कि हम लोग पूरी शांति प्रिय कौम है, अगर हम लोग अपने जिद पर आ गए तो हिंदुस्तान का नामो निशान नहीं रखेंगे, मतलब हिंदुस्तान यानी हिंदू भाइयों का नामो निशान नहीं रखेंगे इस देश से। इसी देश का नेता जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी रह चुका है, ये रोहिंग्या पर यह बयान दिया है कि हमें उनके साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए, हम इंसान हैं और इंसानियत के नाते इन लोगों को अपने घर पर शरण देना चाहिए, रहने देना चाहिए इस देश पर, उन लोगों को नहीं निकालना चाहिए। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो मुख्यमंत्री रहते हुए या इसके जैसे और भी नेता जो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री रहते हुए रोहिंग्याओं को बुला बुला कर बसाया, उन लोगों को डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए बुलाया और जम्मू और कश्मीर का जो अनुपात था हिंदुओं और मुस्लिमों का उसको 50-50 तक कर डाला है। जम्मू में तो आप लोगों को पता है 60% से कम आ गया है, कश्मीर का तो आपको पता है 99% तो इन्हीं लोगों का समुदाय भरा हुआ है। उन लोगों को भी डेमोग्राफिक चेंज करके जम्मू को भी बदलने की कोशिश कर रहे थे। अब जब इन्हीं लोगों को निकाला जा रहा है इस देश से, तो ऐसे ऐसे नेता आ रहे हैं और खुद इन्हीं रोहिंग्याओं का, इन्हीं रोहिंग्या मुस्लिमों का पोल खुल रहा है। देखिए किस तरह से धमकी भरा वीडियो बनाकर बोल रहे हैं कि हम लोग तो अगर हमें निकाला, हमें कुछ भी किया तो हम लोग इस देश को नामो निशान ही मिटा देंगे, यहाँ तक बोल रहे हैं ये लोग। अमन शांति के साथ रहते आए हैं, हमें बदनाम नहीं किया जाए, हम अमन पसंद इंसाफ कौम है, हमें तहफ़ुज़ फराहम किया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद करें हमारे हिंदू भाई कि इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। इसलिए चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम लोग शांति प्रिय कौम हो, तो तुम लोगों को म्यांमार और बर्मा जैसे देशों से क्यों निकाला गया? भारत में चाहिँ एनआरसी सीएबी लागू भइसकेका छन् अनि भोलि गएर अत्यधिक रूप में रोहिंग्या मुसलमानहरू चाहिँ नेपालमा प्रवेश गर्नेछन् अनि केही चाहिँ प्रवेश गरिसकेका पनि छन्, त्यसलाई चाहिँ प्रवेश गराउनको चाहिँ ठुलो भूमिका चाहिँ नेपालको चाहिँ मुस्लिम संगठनहरूले खेलेका छन्, त्यसलाई काठमाडौँमा केही रूपमा बसाइदिएका छन् रोहिङ्ग्या मुसलमानहरूलाई। अब केही दिनमा एनआरसी लागू भइसकेपछि भारतमा लाखौँको मात्रामा चाहिँ रोहिङ्ग्या मुसलमानहरू नेपालमा आउनेछन्, उनीहरूले आएपछि हामीहरूलाई नेपालमा अत्यधिक नै टेन्सन बढाइदिनेछन्, भोलि गएर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आइएसआईको काम गर्छन्, आइएसआईको एजेन्ट बन्छन्, भोलि गएर
अनि बर्मामा पनि त्यस्तै काम गर्यो तिनीहरूलाई रोहिङ्ग्या मुसलमानहरू बर्मामा पनि त्यही बर्मामा पनि त्यही त्यस्तै काम गर्यो त्यसैले यिनीहरूलाई चाहिँ बर्मा देशबाट यिनीहरूलाई लखेट्यो लखेटेपछि अहिले चाहिँ भारतमा छन् भारत सरकारले भगाइरहेछन् खुला रूपमा नेपाल बोर्डर छन् नेपाल बोर्डरबाट सबै चाहिँ भारत बोर्डर घुमै गए नेपालमा आउँछन् किनकि खुला रूपमा नेपालको बोर्डर नै हो कुनै देशको अरूको छैन भोलि गएर हामीहरूलाई अत्यधिक नै टेन्सन हुनेछन् पुलिसले पिछले दिनों यहाँ पर रोहिङ्ग्या रिफ्युजिज के भेरिफिकेसन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर शुरू किया था ऐसे कई रोहिङ्ग्याज यहाँ पर जम्मू में पाए गए हैं जिन्होंने यहाँ पर फेक तरीके से यहाँ पर आधार कार्ड जो हैं वो यहाँ पर बनाए हैं वोटर आईडी कार्ड जो हैं वो यहाँ पर बनाए हैं और कुछ ऐसे रोहिंग्यास को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है In Myanmar, in recent decades, a Myanmar military crackdown, which the UN called textbook ethnic cleansing, forced nearly a million to flee into neighboring Bangladesh in 2017. The Buddhist majority Myanmar government has for years denied citizenship to the mainly Muslim Rohingya. जम्मू की इस रोहिंग्या बस्ती में पिछले तीन दिन से हड़कंप है अवैध तरीके से बसे एक एक रोहिंग्या मुस्लिम की यहां पहचान की जा रही है क्योंकि बात सिर्फ बसने की नहीं बल्कि यहां बसकर फर्जी तरीके से कागज बनवा लेने की दो रोहिंग्याओं को जो है गिरफ्तार किया गया और उनके पास जो है आधार कार्ड पाए गए और दूसरे जो है सरकारी भारत सरकार के जो कागजात हैं वो पाए गए और उससे यहां पर हड़कंप मच गया और उसके बाद जो है अब जम्मू पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और जिस तरह के दिशा निर्देश है केंद्र सरकार से उसका पालन करते हुए यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इनका वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया है और वेरिफिकेशन के तहत इनसे जानकारी ली जा रही है इनसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और बायोमेट्रिक डिटेल्स भी नोट की जा रही है जब वेरिफिकेशन शुरू हुआ तो तीन दिन में ऐसे 155 रोहिंग्या मुस्लिम पाए गए जिनके पास कोई कागज नहीं था और ये अवैध तरीके से जम्मू में आकर बस गए ऐसे रोहिंग्या को जम्मू से उठाकर कठुआ के होल्डिंग सेंटर में रखा जा रहा है आपके किसी रिश्तेदार को भी लिया गया था वेरिफिकेशन के लिए जी जी हमारा सासा एक ले गया सासी एक ले गया हमारा भाई भी एक ले गया तो अभी कहाँ है वो उनको क्या वहाँ होल्डिंग सेंटर में लिया गया है कल भी ले गया कहाँ ले गया पता नहीं है अभी भी कोई सुना नहीं जा रही है अभी कहाँ है वो पता नहीं हमको अच्छा कितने सदस्य आपके परिवार के कितने मेंबर्स ये तकरीबन होगा हमारा 22 से 8 से 7 होगा आपके 7 रिश्तेदार आप यहाँ कब आए हम आएगा 2012 में 2012 में कहाँ से आए आप हम आया सा म्यांमार से म्यांमार से तो आए लेकिन रास्ता कौन सा लिया आपने किस रास्ते से आए रास्ता आया सा मणिपुर साइड से आया था मणिपुर से तो यहाँ जम्मू में किसने आपको लाया हम खुद आया था यहाँ यहाँ से इतनी दूर जी हम ऐसे पूछ कर आया था यहाँ कहाँ म्यांमार और कहाँ जम्मू कश्मीर लेकिन रोहिंग्या मुस्लिम कैसे यहाँ तक पहुँच गए ये सोच कर ही हैरानी हुई लेकिन जम्मू के नरवाल इलाके में पिछले 8-9 साल से रोहिंग्या मुस्लिम ने इसकी बस्तियां बना ली दरअसल कठुआ जिले में जो हीरानगर सब जेल है उसको परिवर्तित कर दिया गया एक होल्डिंग सेंटर के तौर पर और वहीं पर जो है 155 रोहिंग्या मुसलमानों को रखा गया है इस समय सरकार का कहना है कि उनके पास जो है कागजात नहीं पाए गए और अवैध तौर पर वो यहाँ पर रह रहे थे शुरू में कति 15 कति घर थे यहाँ शुरू में 20-25 गज छ अहिले त बढेको छ अलिकति अहिले कति जति छ अहिले त मान्छे त डरे छ यहाँ घर चाहिँ कति छ लगभग घर लगभग घर 40-45 त त्यही छ फ्यामिली त डरे छ फेरि 40-45 घरमा फ्यामिली परिवार चाहिँ कति जति छ एउटा घरमा 3 परिवार 4 परिवार 2 परिवार यस्तो यस्तो बस्छ यस्तो सानो टिनको झोपडीमा एउटै घरभित्र 3-4 परिवार पनि 3 परिवार 4 परिवार यस्तो यस्तो त्यो 3-4 परिवारमा एउटा परिवारमा 5-6 जना त हुन्छ 5-6 जना 7 जना 2 जना 1 जना यस्तो यस्तो ए बङ्गलादेशको बोर्डर छिरेर अनि इन्डिया गएर अनि नेपाल आउनुभएको 13 सालमा टोलीमा चाहिँ कतिजनाको सङ्ख्या थियो सबै गर्दा सबै गर्दा 16 जना छ 16 जना तपाईँको 7 जना अरूको लेकिन यसके कारण यहाँ पर जो है काफी रोहिङ्ग्या मुसलमानों में थोड़ा भय पैदा हो गया है इनका कहना है कि इनको यहाँ पर रहने दिया जाना चाहिए क्योंकि म्यांमार में जो है हालात काफी खराब है अब इन रोहिङ्ग्या मुस्लिमों को डर है क्योंकि जम्मू में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई जो अवैध तरीके से भारत में घुसे बिना कागज जम्मू कश्मीर तक पहुंच गए और 7-8 साल से वहां रह रहे हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है आप कहां के असल में रहने वाले बर्मा का
यहाँ कब आए थे? 2012 में आया था। अच्छा, अभी जब पुलिस आई थी उसने क्या आपके बेटे को यहाँ से लिया? यहाँ से लाया। यहाँ से लिया? लेची करना के लिए आ जा ऐसे बोल दिया था। फिर उन्होंने, मैंने सोचा चलो बेटा लेच करना के लिए, फिर ऐसे लेच देना, लेची कार्ड भी है, लेची करना के लिए गया था। कार्ड कौन सा है उनके पास? इन्हों कार्ड है, रिफ्यूजी, यूएन वाला रिफ्यूजी कार्ड। हाँ। ये कौन सा कार्ड है? रिफ्यूजी कार्ड है। तो आप देख सकते हैं ये जो कार्ड है इनके हाथ में, ये है UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, उनका ये कार्ड है। ये संयुक्त राष्ट्र की जो है शरणार्थियों के लिए एक एजेंसी है, उन्होंने इनको ये कार्ड इशू किया। ये कार्ड कब आपको इशू किया गया था? जब से हम यहाँ हिंदुस्तान में आए तब से ये कार्ड मिला है हमको। ये किसने दिया आपको? यूएन की तरफ से, दिल्ली से मिलते हैं हमको। दिल्ली में मिला आपको? जी। तो आपके पास पासपोर्ट है? पासपोर्ट नहीं है। अच्छा, आप गए थे वेरिफिकेशन के लिए? हमको नहीं ले गया, जिसको बुलाया है उनको उठा कर ले गया। अच्छा, हमको नहीं बुलाया। तो किसी को जिसको उठा कर लाया था वो वापस आया? वापस नहीं आया। इन रोहिंग्या मुस्लिमों का कहना है कि वो शरण लेने के लिए भारत आए हैं, उनके पास यूएन का कार्ड भी है, लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से ज्यादातर के कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं, यानी भारत में रहने का वक्त खत्म हो चुका है। अब बिना किसी वैध कागजात के किसी दूसरे देश में रहना और इतनी बड़ी संख्या में आकर बस्तियां बना लेना, बात राष्ट्रीय सुरक्षा से भी सीधे जुड़ती है और इसीलिए ये बड़ी चिंता है और बड़ा मुद्दा है। लेकिन इससे भी राजनीति हो रही है। उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए और उन पर एक्शन किया ही जाना चाहिए। सिर्फ किसी दूसरे देश से प्रताड़ित होकर आने वाले शरणार्थियों की बात नहीं है, बात तो अवैध तरीके से भारत में बस जाने वालों की है, जिन्हें घुसपैठिया कहना ही सही है। और उसमें भी जम्मू कश्मीर जैसा संवेदनशील राज्य जहां हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम बस गए हैं, इनकी वापसी की कार्रवाई कब तक रोकी जा सकती है? खाना पीना लुगा फाटा सहित लाखों भारतीय मुस्लिम नेपाल प्रवेश करते, आखिर भारत हुए ये नया मुस्लिम नेपाल किन प्रवेश करते, इनीहरू नेपाल छिर्नुको उद्देश्य के हो? नेपालको सिम कार्ड लिनलाई त नागरिकताहरू चाहिन्छ, के के कसरी प्राप्त गर्नु? एउटा कार्ड दिएको छ नि, यो कार्डबाट सिम कार्ड निकाल्न सक्छ। UNHCR को कार्डले तपाईँहरूले सिम कार्ड निकाल्न पाउनुहुन्छ? पाउँछ। एनसेल कार्ड, अनि तपाईँहरू बजार गर्नु पऱ्यो, किनमेल गर्नु पऱ्यो भने निस्किने एरिया यही हो नि त? हजुर हजुर। अनि रासन पानी सबै तपाईँहरू किन्नै पऱ्यो होइन, त्यहाँ त केही उब्जाउ हुँदैन? हजुर, यहाँबाट किन्न पर्छ, उहाँ बालुवाखानी किन्न पर्छ, यस्तो केही छैन पर्छ, त्यहाँ आएर उधारी लिएर कति छ, कति छ, कम से कम मेरो 60-70 हजार छ होला ऋण छ। देश का कानून कहता है कि आधार कार्ड कोई विदेशी नहीं बनवा सकता, न ही किसी शरणार्थी को आधार कार्ड बनवाने का अधिकार है। बावजूद इसके जम्मू में कई रोहिंग्या मुस्लिम परिवारों के आधार कार्ड बन गए। एक आधार कार्ड बनाने के लिए कई सबूत देने पड़ते हैं, एक तो आपका जो परमानेंट रेजिडेंस है और कहाँ के आए हैं, टेलीफोन नंबर वगैरह, तो ये रोहिंग्या अपने आप कर नहीं सकता है। इसके पीछे जो भी है कोई एक टीम बनी हुई है और ये साजिश के तौर पर इनको परमानेंटली भारत में सेटल करने की कोशिश की जा रही है। इन रोहिंग्यास को यहाँ पर पता था कि ये यहाँ पर रिफ्यूजी हैं, तो फिर क्यों इन लोगों ने अपने यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर बना लिए? इस तरह की भी खबरें हैं कि ये जो आधार कार्ड हैं इसका इस्तेमाल यहाँ पर फोन जो सिम्स हैं उनको निकालने के लिए यहाँ पर किया गया। इसके साथ ही साथ कई दूसरी चीजों में इन कार्ड्स का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा था। जम्मू के रोहिंग्या कैंप्स में अचानक से भागम भाग से बचकर रोहिंग्या मुसलमान कैंप से बोरिया बिस्तर समेट कर भाग रहे हैं। ज्यादातर रोहिंग्या जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR और राजस्थान में रह रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमानों की गतिविधि संदिग्ध है और अब मोदी सरकार ने ठान लिया है कि वह इन्हें चुन चुन कर भारत से निकालेगी। नेपाल को इतिहास में सबै भन्दा धेरै विदेशी नागरिक हाम्रो भूमि में आएको, अनि हामीले ती बाहिरबाट आएकाहरुको चाहिँ के अभिलेख राख्ने के त्यस्तो गरेका थियौ कि? हजुर, इन्डियाको बाटो हुँदै आउनुभयो है? हजुर। इन्डियामा तपाईँहरूलाई बस्न मौका दिएन? इन्डियामा त म काम ऊ त म थाहै छैन, सिधै बङ्गलादेशबाट इन्डिया, इन्डियाबाट सिधा डार्किया। कसरी कसरी आउनुभयो बताइदिनुहोस् त?
कसरी भयो इन्डिया बोर्डर क्रस गरियो र नेपाल बोर्डर क्रस गरियो नेपालमा तपाईँहरू म्यानमारबाट म्यानमारको कुन ठाउँमा म्यानमार अर्कान आर्कानबाट आएको आर्कानबाट तपाईँहरू हिँड्दाखेरि नेपालमै गएर बस्छु भनेर हिँड्नुभयो कि आफ्नो देशमा लडाइँ भयो कि उहाँ बस्नै दिँदैन हाम्रोलाई हो हाम्रो नागरिक पनि सिन लिएको छ उता हाम्रो नागरिक दिँदैन त्यहाँ आएर बसेको पुरा टिम आएको त्यस्तै आएको छैन दुईजना आउँदा कतिजना आउनुभएको थियो मेरो हाम्रो त तिनजना मात्र छ केमा आउनुभयो हिँडेर अथवा ट्रेनमा बसमा त्यसै गरेर आएको हजुर अनि त्यो ट्रेनमा आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ नागरिकताहरू सोध्ने कहाँ जान खोजेको त्यो सोधेन ए त्यसरी नेपाल नेपालकै यो पहिला सुरुवालामा यो नेपालकै इन्डिया थाहै छैन कि आयो थाहा भयो कि इन्डियामै मान्छेलाई सोधिरहेको छ कि यो कन टाउँ यो नेपाल टाउँ त्यो कुरा घर थियो यो घर तपाईँले आफ्नै पैसा लगानी गर्नु यसमा आफ्नो पैसा लगाएर भन्नु लगायो तपाईँको यहाँ पैसा यसमा लगभग 30-45 हजार तक लगायो 30-45 हजार तपाईँ तिनैजना उतैबाट आएको कि यहीँ बच्चा भएको यहाँ बिहे यहीँ भएको बिहे भएको उहीँ रोहिङ्ग्याकै हजुर रोहिङ्ग्या कम्युनिटीकै अन्डर भयो ए नेपालीसँगै होइन आफ्नो आफ्नो यहीँ आएर उहाँलाई भेटेको तपाईँको श्रीमतीलाई हजुर अनि यो टोइलेटको चाहिँ ढल चाहिँ कता जान्छ त उता तल ढलमा अहिले पगाएको छैन अहिले नालीमा परिरहेको छ कि अहिले अहिले खुल्ला खुल्लामा छ They sought safety in Indian administered Jammu and Kashmir. But the Indian authorities say they are not welcome here. Indian security forces reportedly started rounding up the families on Saturday. Some of the estimated 5,000 Rohingya believed to have arrived in this disputed and politically fraught region of northern India in recent years. Yesterday, when I was away at work, the police came and took away my wife, and she still hasn't returned. My small children have been crying all night, and we're leaving. We have no choice. We've been very worried for them. My wife still has not come back home. Thousands of Rohingya men, women and children have been killed during repeated waves of violence against them in Myanmar in recent decades. A Myanmar military crackdown, which the UN called textbook ethnic cleansing, forced nearly a million to flee into neighbouring Bangladesh in 2017. The Buddhist-majority Myanmar government has for years denied citizenship to the mainly Muslim Rohingya. They are often described as the largest stateless ethnic group in the world. It says the Rohingya are a security threat. Rights groups have long urged India to observe international human rights law, which prohibits sending refugees back to places where their lives are in danger. There are reports of dozens of Rohingya being held at a makeshift holding centre at a jail in Jammu in preparation for them being returned to Myanmar. The security situation, which has long been dangerous for the Rohingya, has deteriorated across the country in recent weeks. Protesters have been shot dead by security forces in a crackdown after a military coup. यो देशमा कसैलाई कसैको मतलब छैन सेलिब्रिटीहरूलाई रमाइलो गर्न ठिक्क छ राजनीतिज्ञ बुढा नेताहरूलाई कुर्सीको लागि चलखेल गर्न र कुर्सीमा देश बेच्न उद्वेलित छ त्यसपछि अलिकति बुझेका चेतना भएका समाजसेवीहरू अभियन्ताहरू आफ्नै शक्तिलाई पावरफुल देखाउनमा उद्वेलित छ अनि आम नेपाली नागरिकहरू के खाने कसरी बाँच्ने भनेर सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्था छ यो देश यो नेपालले एउटा डिस्को क्लबभन्दा पनि हैसियत राख्न सक्दैन एउटा डिस्को क्लबमा तपाईँ जानुभयो भने गेटमा सिक्युरिटी हुन्छ उसले तपाईँको पहिचान चेक गर्छ टिकट चेक गर्छ उसले त्यहाँ तपाईँको बडीहरू चेक गरेर भित्र इन्ट्री गराउँछ भने यो त्यस्तो देश हो जहाँ यो देशभित्र छिर्दा फेरि उसको कुनै डकुमेन्ट हेर्दैन चेक जाँच हुँदैन यो देश एउटा डिस्को क्लबभन्दा पनि यो देश एउटा डिस्को क्लब जति पनि हैसियत राख्दैन आदरणीय दर्शकहरू योभन्दा खुसीको खबर के हुन सक्ला हामी हाम्रै देशमा शरणार्थी हुँदैछौँ योभन्दा खुसीको खबर के हुन सक्छ आदरणीय दर्शकबिन हामी आफै गरिब छौँ हाम्रो नागरिक आफै गरिब छ बस्नलाई राम्रो बासस्थान छैन टहरामा बस्नु परेको छ त्यो टहरा पनि सरकारले भत्काइरहेको अवस्था छ भने कसरी बाहिरबाट आएका शरणार्थीलाई यो देशले राख्न सक्छ
आदरणीय दर्शक के यो देश शरणार्थी क्याम्प हो या त फोहोर भण्डारण गर्ने ठाउँ हो? कुनै पनि राष्ट्रमा यदि नेपाली जानुपर्छ भने उसको प्रोफाइलहरू टेस्ट हुन्छ, उसको अवकाश टेस्ट हुन्छ, पासपोर्ट चेक हुन्छ, आई स्क्यान हुन्छ, उसले औँठा छाप लगाउनुपर्छ, उसको भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ, उसको ब्याङ्क एकाउन्टहरू डिस्प्ले गरिन्छ। तर यो देशमा कुनै पनि मानिस बिना हिचकिचाहट यो देशभित्र प्रवेश गर्न सक्छ, खाली चप्पल लगाएर खेतै खेत छेड्न सक्छ। यो देशमा यो देश हो या के हो आफूमा एक गम्भीर सवाल पैदा गरेको छ। अनि नेपाल चाहिँ कसरी आउनुभयो तपाईँ? यो इन्डिया आएको छ, इन्डियाबाट के भनिरहेको छ, तपाईँ यहीँ 5-6 जना बसिया छ, यहीँ बस्नेलाई गाह्रो हुन्छ, यहीँ पुलिसहरूलाई सोध्छ कहाँबाट आएको सोध्छ, तपाईँ नेपाल जानुहोस्, नेपाल एकदम राम्रो छ देश, मान्छे सोच्दैन, पुलिसले पनि के गर्दैन, उहाँ जाएर बिग मागेर खानु जस्तो भनेर मलाई यहीँ पठाइसक्यो। ए अनि तपाईँलाई इन्डियाबाट नेपाल छिराउँदाखेरि बोर्डरमा त जाँच हुन्छ होइन, कसरी तपाईँ छिर्नु? मलाई के गरेको छैन नेपाल बोर्डरमा, जाँचै भएन, के गरेको छैन। तपाईँ दिनकै समयमा आउनुभयो, रातिको बेलामा आउनुभयो, कसरी आउनुभयो? बेलुका राति परेको छैन।